दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉरएवर पे। आज मैं बात करूंगा आपके साथ खजूर के बारे में, और एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या ब्लड शुगर के मरीज भी खजूर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो खजूर है, ये जो डेट्स है, ये एक तरह से एक न्यूट्रिशनल रिच प्रोफाइल लेके कुदरत ने हमें भेजा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, चाहे हम मिनरल्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें, फाइबर की बात करें, और भी जो दूसरे इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी बात करें, तो ये एक तरीके से पूरा एक पावर हाउस होता है गुडनेस का हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और हमें कई सारी बीमारियों से भी बचा के रखता है। चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो लीवर का फंक्शन हो, चाहे वो हार्ट की हेल्थ हो, बहुत सारे फंक्शंस में ये मदद करते हैं। इसके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अंदर दोनों ही तरह के फाइबर होते हैं, सोल्युबल फाइबर भी होते हैं और इनसोल्युबल फाइबर भी होते हैं। तो ये आपकी आंतों के अंदर एक तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनको अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं, गट के अंदर जो डाइजेशन को प्रमोट करते हैं बैक्टीरिया, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, उनके लिए बेड रेडी करता है, फ्लोर रेडी करता है, सो दैट उनका ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, जिससे आपका डाइजेशन बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा अक्सर, जब आप गुड़ के साथ अगर खजूर को मिला के उबाल के रात को पी लेते हैं, तो सुबह आपका पेट साफ रहता है और आपका डाइजेशन भी सुधर जाता है। तीसरा जो इसका बड़ा फायदा है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आपको मदद करता है। लोग एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे मल्टीविटामिन के कैप्सूल लेते हैं, लेकिन खजूर में अपने आप उतनी ज्यादा खासियत है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करता है। उसका देखिए रीजन है, एक तो हमने बात की इसके अंदर विटामिन होते हैं, और इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड फिनोलिक एसिड होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है आपकी सेल से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल के सेल को रिपेयर करने में मदद करते हैं, और जब सेल्स रिपेयर हो जाती हैं तो फिर वो हेल्दी सेल्स कहलाती हैं, और उनके इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करते हैं, जिससे आपकी बॉडी का जो ओवरऑल इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है, आपकी सेल्स स्ट्रांग हो जाती है, और आपको बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करती हैं, और साथ ही साथ आपकी बॉडी के दूसरे फंक्शंस को ठीक से काम करने में, सुचारू रूप से चलाने में भी मदद करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो पोटेशियम है वो हार्ट की हेल्थ के लिए और खासतौर से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हार्ट की जो मोटिलिटी है, जो हार्ट मसल्स मूव करती हैं, उसको भी इम्प्रूव करने में जो पोटेशियम का है वो बहुत बड़ा रोल रहता है। और खजूर के अंदर, डेट्स के अंदर पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपको MI का खतरा भी कम होता है, आपका स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो जो ऐसे मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनको हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का ज्यादा खतरा है, वो अपने भोजन में अगर अंजीर का और खजूर का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं तो उनका रिस्क काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो अपने भोजन में आप खजूर और अंजीर को जरूर इस्तेमाल करें। तो आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, और फाइबर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी आंतों के अंदर, वो ग्लूकोज के अब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उसको डिले कर देता है, और जो ग्लूकोज है वो बिना अब्जॉर्ब किए ही आपके मोशन के साथ निकल जाता है। तो ऐसे फल जिनके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, वो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए जैसे अमरूद हो गया, अंजीर हो गया, इवन आपके मीठे खजूर भी जो है वो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो तो अपने आप को आगे भी इवन ब्लड शुगर के खतरे को कम करने के लिए खजूर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उम्र बढ़ने लगी है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगी हैं, और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो गया है, तो आपको खजूर खाने चाहिए, दूध में डाल के आपको खजूर खाने चाहिए, क्योंकि खजूर के अंदर कैल्शियम के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी होता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। और फास्फोरस और कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों ही चीजें आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आप अगर खजूर लगातार खाएंगे, दूध में डाल के आप रोज 2 से 3 खजूर खाते हैं, तो आपकी बोन की हेल्थ बन जाएगी अच्छी, ऑस्टियोपोरोसिस भी जाता रहेगा, और आपकी बोन जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी, बोन के टूटने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आप जैसे एक्सरसाइज करके आते हैं, या आप जब को जब भी मीठा कुछ खाने का मन करता है, तो उस समय आप वर्कआउट्स के बाद खजूर इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको जब भी एनर्जी चाहिए, आपको ग्लूकोज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आठवां जो इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा होती है, तो ये जैसे आपका डाइजेशन ठीक करेगी, तो आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करेगी। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको एनल प्रेशर है, या जिनको पाइल्स की दिक्कत है, हेमोरॉइड्स की दिक्कत है, बवासीर की दिक्कत है, उनके लिए खजूर बहुत फायदेमंद हो जाते हैं। तरीका यही है कि आपको रात को सोते समय 2 से 3 खजूर दूध में डाल के उबाल दें, और अगर साथ में आपको अंजीर भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। एक तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा, और आपकी जो
पाइल्स हैं, जो पाइल्स की समस्या है उनको भी रिड्यूस करेगा। एक बेहतरीन रेमेडी होती है पाइल्स और बवासीर के मरीजों के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको देखिए ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और अगर देखिए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।